मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मॉर्निंग में बन रहा है छिलका रोटी, तो अभी मैं छिलका रोटी बना रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं छिलका रोटी बना रही हूँ और मुझे तो काफ़ी पसंद है। आप सबको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और काफ़ी लेट हो गया है इसलिए इसके साथ हम लोग गार्डन का बिल्कुल फ्रेश, जो मम्मी का गार्डन है उसे बहुत ही ताज़े फ्रेश धनिए लगे हुए हैं, तो उसी को हम लोग चटनी बनाने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को कहीं ले जाने वाली हूँ। तो नाश्ता पहले बना लेते हैं, फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको मैं कहीं ले जाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। छिलका रोटी रेडी हो गया है और इसके साथ मैं बनाई हूँ धनिए की चटनी। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल में। ये एकदम घर का फ्रेश हरा धनिया है। नाश्ता भी हमारा हो चुका है और अभी हम लोग पीने वाले हैं जाप पानी। वैसे तो नाश्ता करने के पहले पीने वाले थे। अच्छा से पानी है ना पूरा भरा हुआ, इसमें ये वाला हम पियेंगे, ये वाला। सामान लेने के लिए, लेकिन आज होली है और मैक्सिमम दुकान बंद है। अब देखते हैं मिल पाता है या नहीं, वरना खाली लौटना होगा। तो आज रास्ता भी पूरा खाली है, अच्छा लग रहा है। आज होली का एक झलक दिखलाती हूँ। यहाँ देखिए कैसे होली खेल रहे हैं। डगरा टोली भी पूरा खाली है, सारी दुकान बंद है। आज पहली बार पूरा रोड खाली है तो काफी अच्छा लग रहा है, वरना पूरा ट्रैफिक लगा होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा इधर मेन रोड घूम लेंगे, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे, है ना। ये है सर्जना चौक, जो ऐसे समय में इतना भीड़ लगा रहता है यहाँ पे, लेकिन आज पूरा खाली है, सारा शॉप बंद है। तो आज मैं आपको मेन रोड का कुछ व्यू दिखलाऊंगी कि बाकी दिन और आज के दिन में क्या अंतर है। ये है अल्बर्ट का चौक। अभी हम लोग अपर बाजार के पास है और यहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ होता है, लेकिन आज होली का दिन है इसलिए पूरा खाली है। लोग बहुत कम गिने चुने दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा खाली तो मैं कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन आज देख करके मन खुश हो गया। ऐसे ही खाली होना चाहिए, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए मेन रोड का नजारा। यहाँ पे वेंडर मार्केट, रांची का सबसे सस्ता मार्केट, वो भी खाली है। इधर से लौटेंगे मेन रोड से? हाँ इधर ही से लौटते हैं, कुछ तो खुला है नहीं, सारा बंद है। ये पार्किंग देखो पूरा खाली, एक गाड़ी नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी, रांची का ऐसा नजारा लाइफ में पहली बार देखे, जब मेन रोड जैसा जगह इतना खाली। देखिए ना होली कैसे खेल रहे, रुके दिखलाती हूँ। यहाँ देखिए होली कैसे खेल रहे हैं।
रांची का एक चक्कर लगा लिए लेकिन सारे जगह का व्यू कुछ ऐसा ही है। अभी हम लोग पहुंचे हैं नेपाल हाउस, यहाँ एक मोमो का शॉप है यहाँ पे। अभी जस्ट ये लोग आए हैं तो अभी मोमो बनना शुरू नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद आएंगे। घूमते हुए हम लोग पहुँच गए हैं रामकुम और यहाँ एक राशन का शॉप है, तो यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं। वैसे भी लगभग सभी दुकान बंद है तो यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ रिलायंस स्टोर टाइप का है, बहुत अच्छा है। हाँ है, एल्युमिनियम फॉइल देखिए ना, ग्रीन चिल्ली पिकल क्या, ये मैंगो है, एक ग्रीन चिल्ली लेना ये वाला। मम्मी अपने लिए लिए है क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। और कुछ? हाँ, मेरा सामान है चॉकलेट और आइसक्रीम, इतने सारे आइसक्रीम। ये मेरा है चॉकलेट और वेनिला, ये वाला इन दोनों के लिए। तो यहाँ नामकुम अन्नपूर्णा से हमने बहुत सारा ग्रोसरी लिया, तो शॉप वाले ने हमें ये वाला कुल्फी गिफ्ट दिया, तो आज होली है इसलिए होली गिफ्ट मिला हमें कुल्फी। ये वाला माँ का है स्ट्रॉबेरी, ये भी बहुत टेस्टी है। ये लो, नहीं खाई, खा ली, बहुत टेस्टी है। सेम पिंच बोल करके साथ दे रहा होगा, है बैठे हैं, कैसे पार होंगे? सेम पिंच बोल दीजिए। हम लोग आज पूरा रांची का चक्कर लगा लिए, कुछ नहीं मिला, बस एक शॉप से राशन मिल गया जो उस बोरी में है। तो अभी हम लोग घर भी पहुंचने वाले हैं। तो आज का दिन कैसा रहा? मस्त नहीं, मस्त बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जो सामान लेने गए थे वो तो मिला नहीं, होली की वजह से सारा कुछ बंद था। गाड़ी आ रहा है, कोई नहीं, आज के दिन पूरा रांची घूम लिए और आप सबको भी रांची का थोड़ा भ्रमण करा दिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए ये कातिया नाला में लोट पोट होके आया है, घुसने नहीं मिलेगा तुमको, जा बाहर भागो। क्या बाहर ही रहना है ना, बाहर ही रहो नहीं तो नहलाया जाएगा। घर भी पहुंच चुके हैं और ये वाला भी आइसक्रीम लेकर आए थे, चॉकलेट वेनिला। आज पूरा दिन आइसक्रीम खाते हुए बीतेगा, लीजिए आप सब भी खा लीजिए, आपके बाद में मैं खा ले रही हूँ। होली का गाना बज रहा है, दो दिन से बज रहा है, तो आइसक्रीम पहले खत्म कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। है मेरा फेवरेट सोन पापड़ी, इलायची वाला सोन पापड़ी है ये, खजूर, गोल्ड फिक्स, अंजीर है ना ये, हाँ एक अंजीर, शाम के नाश्ते के लिए चाउमीन का पैकेट, और क्या है ये माँ के लिए है, माँ का फेवरेट रस, इलायची फ्लेवर है ना, इतने सारे हाजमोला और क्या है दो अचार, ये मिक्स अचार है, और ये है ग्रीन पिकल, ग्रीन चिली पिकल, ये माँ का फेवरेट, ये तो सब पहचानते हैं ये क्या है, ये सभी का फेवरेट होता है,
इसको हम लोग चूहा दाना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। और ये मिक्स माउथ फ्रेशनर, एक माँ का और एक मेरा। गर्मी का मौसम पहुँच गया है इसलिए ग्लूकोन डी का डब्बा। और क्या है ये दोनों माँ के लिए, ये मेरे लिए आवा लग गया, ये एलुमिनियम फॉयल। और ये है जस्ट फ्राई चरबोदा, हम लोग इसको चरबोदा बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये, कलरफुल है, हर कलर का है। ये है बासमती राइस, एक माँ के लिए एक मेरे लिए। ये है माँ के लिए मूंग दाल, माँ का फेवरेट। ये मेरे लिए है दही मसाला, अभी गर्मी का मौसम है ना इसलिए दही के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये। और ये है चाय पत्ती, जो डेली शाम में चाय बनता है ना उसके लिए, ये वाला अच्छा लगता है, इसमें हरे पत्ते रहते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यही है आज का हमारा ग्रोसरी शॉपिंग। अच्छा और एक है, ये है उड़द दही बड़े बनाने के लिए। अच्छा और एक सामान बचा है ना, क्या सामान बचा है? ये है छोटू पैकेट, ये जीरा है ना सर, जीरा। बस हमारा आज का ग्रोसरी यही है। तो सारे ग्रोसरी को पहले इस थैले में भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमने चलेंगे। तो कहाँ चलेंगे? दीदी के यहाँ। हाँ तो हम लोग अभी दीदी के यहाँ घूमने जाएंगे। तो पहले ये सारा चीज जो बिखेरे हैं इसको समेट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सारा पैक हो गया, वो रखना है इसको।